अश्विनी कामत, मेरे चैनल कामत वेज एंड नॉन वेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वेज हक्का नूडल्स। इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। ये है कैबेज, कैबेज दो बाउल लिया है मैंने, थोड़ा लंबा लंबा ऐसे कट कर लिया है। ये कैप्सिकम है, ये एक बाउल लिया है ग्रीन कैप्सिकम, ये भी लंबा लंबा ऐसे कट कर लिया है। और ये है कैरेट पीसेस, ये है एक बाउल लिया है, ये भी ऐसे लंबा लंबा कट करके रखा है। और इसके लिए आपको नूडल्स चाहिए। ये नूडल्स को मैंने गर्म पानी में, उबलते पानी में थोड़ा सा नमक और तेल डाल के उबाल लिया है। फिर उबालने के बाद, अच्छी तरह उबालने के बाद इसे ठंडे पानी में धो लेना चाहिए। फिर ऐसे स्ट्रेन करके ऐसे निकालना है, ऐसे सेपरेट सेपरेट आएगा। इसके लिए आपको चाहिए जिंजर गार्लिक पीसेस हाफ बाउल, दोनों मिक्स किया है मैंने। ये है येलो कैप्सिकम, हाफ बाउल लिया है मैंने, लंबा कटा है ऐसे। और ये रेड कैप्सिकम है, इसे भी लंबा कट कर लिया है। ये है 2 टीस्पून सोया सॉस लिया है मैंने, और 1 टीस्पून वाइट विनीगर है, ये वाइट विनीगर लिया है। ये है ऑनियन रिंग्स, हाफ बाउल लिया है मैंने। ये है ग्रीन चिली पीसेस, 8 to 10 बारीक चॉप किया हुआ है। ये है टोमेटो केचप, और टोमेटो सॉस भी ले सकते हैं आप, ये 1 टेबलस्पून लिया है मैंने। ये है पेपर पाउडर, 2-3 टीस्पून लिया है मैंने। और ये है रेड चिली सॉस, रेड चिली सॉस मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब कैसे बनाते हैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लिया है, आप ऑलिव ऑयल से भी बना सकते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। इसमें आपको पहले जिंजर गार्लिक पीसेस डालना है, बारीक चॉप किया हुआ। इसे थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लीजिए। अभी ग्रीन चिली पीसेस डालना है, आपको तीखा कम चाहिए तो कम डालिए इसमें। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा फ्राई होते ही इसमें कैरेट पीसेस डाल लेना है आपको। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। अभी ये थोड़ा सा फ्राई होते ही ये सब क्रंची रखना है आपको, ज़्यादा फ्राई मत कीजिए। फिर कैप्सिकम पीसेस डालना है, फिर कैबेज पीसेस, फिर कैप्सिकम रेड और येलो कैप्सिकम पीसेस डालना है। फिर थोड़ा सा इसमें ऑनियन रिंग्स डालिए, थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा फ्राई होते ही थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, थोड़ा डालिए, क्योंकि हमने सॉस लिया है उसमें भी नमक रहता है। फिर इसमें आपको पेपर पाउडर, जो मैंने बोला था वो पेपर पाउडर डाल लीजिए। फिर सोया सॉस डाल लीजिए इसमें, और तीनों सॉस डाल लीजिए, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और टोमेटो सॉस, सब डाल लीजिए। फिर अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए, सब क्रंची रखिए। फ्रेंड्स, अभी बॉईल किया हुआ नूडल्स डाल के आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, अभी ये नूडल्स ऐसे 2 स्पैटुला लेके आपको ऐसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। ऐसे सब मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपका नूडल्स, हक्का नूडल्स रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, रेस्टोरेंट से भी अच्छा स्वाद आता है। इसे इसमें मैंने अजीनोमोटो बिल्कुल नहीं ऐड किया है, आप भी मत ऐड कीजिए, वो पेट के लिए अच्छा नहीं है। अभी प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हमने अभी प्लेटिंग कर दिया है, देखिए ऐसे दिखेगा नूडल्स। फिर इसके ऊपर
ऑनियन रिंग्स ऐसे सजा दीजिए, ऑनियन रिंग्स डाल दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। इसके साथ मैंने बेबी कॉर्न चिल्ली किया है, ये थोड़ा ग्रेवी टाइप है। इसके साथ सर्व कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉन वेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। If you like our videos, please don't forget to like, share and subscribe to our channel. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you.